प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ कैलिफोर्निया में होंगे तो वो जाएंगे गूगल के कैंपस, और गूगल को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है काम करने के लिए। हर साल जो सर्वे निकल के आते हैं उनमें जब इम्प्लॉई से पूछा जाता है कि किस कंपनी में काम करना सबसे पसंद है, उसमें हमेशा गूगल का नाम सबसे ऊपर आता है। नई नई टेक्नोलॉजी हो, गूगल मैप्स हो, सर्च इंजन हो, एंड्रॉयड फोन हो, सब में गूगल सबसे आगे हमेशा से रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आएंगे तो हिंदुस्तानी मूल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO सुंदर पिचाई से उनकी मुलाकात होगी। उससे पहले आज सुबह मैं गूगल के कैंपस गया माउंटेन व्यू में, और वहां पे हमने देखा कि हिंदुस्तानियों के बीच गूगलर्स इंडिया नेटवर्क नाम से तमाम देसी इकट्ठा हो रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का। गूगल का कैंपस इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग जाने के लिए ये फ्री साइकिल्स का इंतजाम किया गया है ताकि इंप्लॉयज एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इस वक्त कार्तिका हमारे साथ हैं, गूगल में काम करती हैं और साइकिल पर ही सवार होकर दफ्तर आती हैं। काफी फिटनेस का ख्याल रखती हैं आप? बिल्कुल, अब जब इतने ऑप्शन है हमें खाने पीने का, हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सेहत भी पूरा फिट रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी अब गूगल के कैंपस आने वाले हैं, उनकी यात्रा को लेकर आप लोग उत्साहित हैं? बिल्कुल, इतनी उत्सुकता कि हम लोग दिनों से इंतजार करें इस मौके के लिए, क्योंकि पहली बार सिलिकॉन वैली में इतने सालों बाद प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो भी इंडिया के, तो इससे ज़्यादा मौका क्या हो सकता है कि जताने के लिए कि हम लोग क्या कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इस मौके को फायदा लेकर क्या पता हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से गूगल की कामयाबी से प्रधानमंत्री को और हिंदुस्तान को क्या सबक सीखने चाहिए? बहुत सारे सबक, जैसे यहाँ पर इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है प्रोजेक्ट लून, जिसे गांव में जहाँ वाईफाई करंट ही नहीं है वहाँ वाईफाई तक पहुँच सकती है। प्रोजेक्ट सनरूफ है कि इंडिया में जब इतना सूरज है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलरेडी जब गूगल हेल्पिंग वीमेन ऑनलाइन करके गांव-गांव में जो स्त्रियाँ हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस है, उनको ऑनलाइन आने के लिए इतने हेल्प कर रहे हैं, तो इतने सारे फायदेमंद चीज़ ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो आगे का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है। लंच के टाइम पे या तो ऑफिस के बाद। अच्छा, ये बताएं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आने वाले हैं, आप लोग एक्साइटेड हैं पीएम के विजिट को लेकर? बहुत उत्सुकता है, बहुत एक्साइटेड है हम उनके आने के। क्या मोदी ने अब तक किया है जो आपको भाता है, जो आपको अच्छा लगता है? जी, मैंने मैंने सोचा है स्वच्छ भारत प्रोग्राम के बारे में, वो एक इनिशिएटिव है जो पहले लेना चाहिए था और अब ले लिया है उन्होंने, विच इज़ मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने ये भी सुना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो पुराने लॉज हैं वो मोदी जी निकाल रहे हैं, जो अब तक वैलिड नहीं है या तो रिडंडेंट है, तो वो भी करने की बहुत उत्सुकता थी, तो इट्स अ गुड थिंग। बादल कफे के किचन में है और यहाँ पर मौर्य शेरेटन होटल के एक जाने माने शेफ ने अपना काम छोड़कर टेकीज को देसी खाना परोसने की ठानी है, ताकि उन्हें यहाँ कैलिफोर्निया में रहते हुए भी ये ना लगे कि वो अपने वतन से, अपने खाने से बहुत दूर है। शेफ इरफान, स्वागत है आपका आज तक पे। हम देख रहे हैं कि आज बिरयानी डे और आपका रेस्टोरेंट तो चकाचक भरा हुआ है। भरा हुआ है, ये तो बिरयानी का मजा है, ये बिरयानी का जादू है। तो ये बताएं कि यहाँ पे शेफ इरफान की गूगल के कैंपस में बिरयानी बेहतर है कि हैदराबाद में पैराडीसो में जो बिरयानी मिलती है वो बेहतर? आप जरा चखे देखिए, आप बताइए। लेकिन मेरे ख्याल से आप बहुत खुश होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, आप लोग एक्साइटेड हैं पीएम की विजिट को लेकर? हाँ जी, जरूर। लाइक इट्स बहुत बड़ा ऑनर होता है कि आप पीएम इस कम्युनिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और काफी टाइम से यहाँ पे मतलब काफी भारतीय हैं जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं था इंडिया और सिलिकॉन वैली में। अब इट बिकम्स थोड़ा फॉर्मलाइज और ओपन, तो लोग ज़्यादा ध्यान भी देंगे और इंडिया में भी काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि हाँ, एक सिलिकॉन वैली नाम की जगह है जहाँ पे ये कंपनीज हैं और वहाँ पे ये काम कर रही हैं, इंडिया के लिए भी काम कर रही हैं, भारत के लिए भी स्पेसिफिक ऐप्स। आपके हिसाब से क्या करने की ज़रूरत है इंश्योर करने के लिए कि इंडिया में भी गूगल जैसी कंपनियाँ बन? नहीं, बन रही हैं धीरे धीरे। आजकल इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम काफ़ी बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं काफ़ी कंपनीज आ रही हैं इंडिया में भी, और तो धीरे धीरे वही आई थिंक एक नॉलेज ट्रांसफर धीरे धीरे होता है। यहाँ पे लोग आते हैं, सीखते हैं,
काफ़ी लोग वापस भी चले जाते हैं, सीखते हैं और लर्निंग्स अप्लाई करते हैं। यहाँ की कंपनीज भी, गूगल भी भारत में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, नेक्स्ट बिलियन यूजर्स हैं जो सुंदर ने कल बताया, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट। तो इसलिए अब धीरे धीरे आई थिंक वो जब यहाँ पे एक सैचुरेशन आ जाती है तो द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैज़ टू गो बैक, और वहाँ के लिए जो नए सोल्यूशन बन रहे हैं आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया।